हाय जय माता दी, दिस इज कविता भक्तियानी। वेलकम टू माय चैनल कुक क्विक विद कविता। थैंक यू ऑल। आई वाज लाइव ऑन 14th अप्रैल, एज मुझे एक साल हुआ था यूट्यूब पे। मैंने ऑलरेडी 50,000 व्यूवर्स क्रॉस कर लिए हैं और थैंक यू ऑल फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। जिन्होंने किया है प्लीज़ नोटिफिकेशन को भी क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, तो जल्दी ही मेरा 1 मिलियन व्यूअर्स हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट। आज हम बनाएंगे अरबी पोटैटो टिक्की चाट। ये बहुत ही बढ़िया बनती है। इसे प्रेशर कुक कर देना है पहले और उसके बाद इसे पील करके मैश कर देना है और मैश करके हम रेडी रखेंगे। इसके लिए जो मसाले चाहिए हमें वो है ग्रीन धनिया, कोरिएंडर, आमचूर पाउडर, जीरा पाउडर, नमक, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और रेड चिली पाउडर। और आप चाहिए और तीखा तो ग्रीन चिली ऐड कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है। इन सब चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है अच्छे से और इसका एक डो रेडी कर देना है। ये इस तरह से हमने मिक्स कर दिया है और ये हमारा डो रेडी हो गया है। अब आप इसे मनचाही शेप बना सकते हैं। ये मैंने 2 टाइप के शेप बनाए हैं। आप और कोई भी शेप बना सकते हैं। टिक्की और कटलेट का शेप मैंने बनाया है और अब हम इसे शैलो फ्राई करेंगे। मेरी रेसिपीज़ में हमेशा मैं बहुत कम ऑयल यूज़ करती हूँ। मैं डीप फ्राई हमेशा अवॉइड करती हूँ। शैलो फ्राई से भी ये बहुत बढ़िया बनता है। और इसके ऊपर जो हमें चाट बनाने के लिए चीज़ें चाहिए वो है मीठी चटनी खजूर की, ग्रीन चटनी धनिया की, दही फेंटी हुई और कोरिएंडर और चाट मसाला गार्निश के लिए। अब हम ये सब तैयारी करने के बाद हम पैन रखेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और हम इसमें अपनी टिक्की को शैलो फ्राई करेंगे। ये टिक्की आप ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं ग्रीन चटनी, और अगर आपको चाट नहीं बनानी है तो आप टिक्की के जैसे भी इसको खा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया बनती है और बहुत फटाफट बन जाती है। ये देखिए, ये हमारी टिक्की रेडी हो गई है। अब हम इसकी चाट बनाएंगे। चाट बनाने के लिए हम इसे पहले चटनियों से कोट करेंगे। मीठी चटनी, तीखी चटनी, दोनों चटनियों से हम इसको कोट करेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर फेंटी हुई दही डालेंगे इस तरह से। आपको चाहिए तो आप और भी डाल सकते हैं। ये बहुत थिक दही है जो मेरी, और इसके ऊपर हम थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे और उसके बाद हम इसे कोरिएंडर से गार्निश करेंगे। कोरिएंडर से गार्निश करने के बाद इसके ऊपर हम एक बार और थोड़ा सा मीठा चटनी छिड़क देंगे और ये बहुत ही टेम्पटिंग और यम्मी लगेगा। सो इसे बनाइए, खाइए और मुझे बताइए ये आपको कैसी लगी। अगर मेरी डिश आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अभी का अभी मेरी डिश को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट लिखिए अगर आपको मेरी डिशेस अच्छी लगती है तो। मैं आपके साथ और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी डिश शेयर करने वाली हूँ नेक्स्ट वीक। अब इस वीक की ये फर्स्ट डिश है। विल बी बैक सून विद अनदर डिश। टिल देन बाय, एंजॉय, कीप वॉचिंग। जय माता दी। कुक क्विक विद कविता। टेक केयर।